Dear friends, subscribe to our channel Sports Science and press the bell icon to watch latest videos related to sports science. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, aaj ka jo hamara topic hai basically wo jo hai cricket ki measurement jo hai uske related hai. Jaisa ki aap apne speech mein hai topic ko bhi read kar sakte hain. Measurement of cricket ground, theek hai? Cricket ground jo hai uski measurements kya hoti hain, usko hum kaise measure kar sakte hain, kya uska method hai, wo sara aaj hum aapko samjhayenge. Basically jo hai cricket ground jo hai basically wo ek oval shape ya ek circle shape hota hai, theek hai? और मिडल ऑफ द ग्राउंड जो है एक पिच होती है जिसे हम कहते हैं पिच कहते हैं या विकेट कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो है ग्राउंड जो है उसको जो है हम मेजर करते हैं ये बिल्कुल मतलब है ठीक है। जैसा कि ये मिड पॉइंट है पूरे ग्राउंड का इसको हम मेजर करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको यानी बाउंड्री के बारे में समझाने के से पहले ये जो है इसकी साइड लाइन होती है हम क्या कहते हैं बाउंड्री। ठीक है जी। अच्छा जी बाउंड्री के बारे में समझने से पहले ये है कि आप जो है आप पावर प्ले सर्कल या जो है पावर प्ले एक जो है दायरा जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बता दूंगी। पावर प्ले सर्कल बेसिकली क्या होता है इसकी जो है मिडल ऑफ द पिच से लेकर जो है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो 30 यार्ड होती है यानी चारों क्रॉस जो है इसकी जो है मेजरमेंट जो है वो कितनी होती है 30 यार्ड 30 यार्ड जो है इसकी मेजरमेंट होती है 30 यार्ड भी आप क्या सकते हैं कि 30 मीटर ठीक है जी। उसके बाद जो हमारे पास मेन चीज आती है जो है बाउंड्री जो है ग्राउंड की बाउंड्री क्या होती है लिमिट जो है जिसके बाहर जो है बॉल चल रहा है या बॉल ठीक है लिमिट है बाउंड्री। तो बाउंड्री जो है उसकी जो लिमिट होती है जो है मिडल ऑफ द पॉइंट यानी कि मिडल जो किसी की विकेट का पॉइंट होता है उससे जो है आप इसको मेजर करते हैं ठीक है जी। तो ये जो है बाउंड्री जो है इसकी जो है परमाइश जो है वो सेम नहीं होती यानी कि डिफरेंट एंगल्स के मुताबिक जो है वो चेंज होती है ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड जो है उसकी मेजर उसको अगर आप करेंगे तो उसकी मेजर मे भी उसकी जो है ये वाला एरिया जो है 55 मीटर हो तो ये वाला एरिया मे भी जो है उसका जो है 75 मीटर हो तो ये वाला एरिया मे भी जो है 60 मीटर हो और ये हो सकता है ये वाला एरिया जो है उसका 80 मीटर हो तो यानी कि क्रिकेट ग्राउंड जो है उसकी मेजरमेंट जो है बाउंड्री की मेजरमेंट जो है वो फिक्स नहीं होती वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू ग्राउंड या अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन भी आप कह सकते हैं या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट भी कह सकते हैं यानी कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसकी बाउंड्री जो मे भी इंक्रीज कर दी जाए ठीक है। अगर आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसकी बाउंड्री जो है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी जो है क्लोज होगी करीब होगी और T20 क्रिकेट का अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है मैच हो रहा है तो उसमें बाउंड्री जो है फर्दर उसको जो है कम कर दिया जाता है ठीक है जी। तो ये जो है कुछ सीधा सीधे बातें थी क्रिकेट ग्राउंड के मेजरमेंट के बारे में। तो काइंडली जो है अगर कोई क्वेश्चन है आपको इससे रिलेवेंट या किसी चीज़ को आप डिटेल से पूछना चाह रहे हैं मैंने नहीं जो आपको चीज़ बताई तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो फर्दर जो है आपके लिए नेक्स्ट जो है अच्छी से अच्छी वीडियोस आ रही हैं तो काइंडली उन वीडियोस को और इन वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।